अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। दोस्तों, आज जिस मशहूर प्लेबैक सिंगर की मैं बात कर रही हूँ, वो कहते हैं कि मैं जो कुछ हूँ अपने पिता की बदौलत, और इसीलिए मैं हमेशा अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम जोड़ता हूँ। और अगर मैं उनका नाम अपने नाम के साथ ना जोड़ूं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अधूरा हूँ। और वो हैं मशहूर प्लेबैक सिंगर मुकेश जी के होनहार बेटे नितिन मुकेश। में पैदा हुए थे नितिन मुकेश मुंबई में। उन्हें इस बात पे बड़ा नाज था कि वो मशहूर प्लेबैक सिंगर मुकेश जी के बेटे हैं। मुकेश जी का पूरा नाम था मुकेश चंद माथुर और वो कायस्थ थे। और नितिन मुकेश की मम्मी गुजरात की थी और उनका नाम था सरला त्रिवेदी रायचंद और वो बहुत ही अमीर घराने की थी। नितिन मुकेश की तीन बहने हैं और वो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा प्यारे हैं, सबको लाडले हैं। और यही वजह थी कि उनके माँ बाप ने उन्हें पढ़ने लिखने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए लंदन भेज दिया। लेकिन लंदन में नितिन मुकेश का मन बिल्कुल नहीं लगा। उन्होंने अपने माँ बाप से कहा, आप मुझे वापस बुला लीजिए, मेरा मन यहाँ बिल्कुल नहीं लगता, मैं आपके साथ रहूंगा, इंडिया में रहूंगा, संगीत सीखूंगा और सिंगर बनूंगा। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि राज कपूर के चेहरे की पहचान थी मुकेश की आवाज, इसलिए राज कपूर ने उनसे कहा कि आपकी आवाज मेरे चेहरे की पहचान है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे ऋषि कपूर के चेहरे की पहचान बने आपके बेटे नितिन मुकेश की आवाज। और ऐसा ही हुआ। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ये भी बता दूं कि नितिन मुकेश प्लेबैक सिंगर तो काफी बाद में बने। वो बहुत छोटे से थे तो अपने पिता मुकेश जी के साथ लाइव शोज करने जाते थे, हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी। वो अपने पिता के सुपरहिट गाने गाते थे और खुद सुपरहिट हो जाते थे और ये देखकर मुकेश जी फूले नहीं समाते थे। में मुकेश जी वर्ल्ड टूर पे गए अमेरिका लता मंगेशकर और अपने बेटे नितिन मुकेश के साथ। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये टूर मुकेश जी की जिंदगी की आखिरी टूर होगी। एक शो से पहले अचानक मुकेश जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उन्हें इस बात का एहसास होने लगा कि वो स्टेज पे गाना नहीं गा पाएंगे। इसलिए सब लोगों ने कहा कि आप ग्रीन रूम में चलिए, वहां आराम कीजिए। तो मुकेश जी कहने लगे कि नहीं, मैं यहीं बैठूंगा और अपने बेटे नितिन मुकेश को अपनी जगह
लता मंगेशकर के साथ जब देखूंगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। और जब उन्होंने अपनी जगह अपने बेटे नितिन मुकेश को लता मंगेशकर के साथ गाते हुए सुना तो खुशी से उनकी आंखों में आंसू छलक आए। मुकेश जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। लेकिन अफसोस कि जिंदगी हार गई और मौत जीत गई। 27 अगस्त 1976 वो भयानक दिन था जब मुकेश जी एक महान कलाकार ये दुनिया छोड़ के चला गया। जिंदगी मैंने अपने प्रोग्राम फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में जब नितिन भैया का इंटरव्यू लिया तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे और कहने लगे थे कि तबस्सुम दीदी, जब मैं अपने पापा के साथ अमेरिका जा रहा था टूर पे तो मैं बहुत खुश था। मेरे पापा मेरे साथ थे, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई छोटा सा बच्चा हूँ। लेकिन अफसोस कि जब मैं वापस आ रहा था तो मेरे पापा मेरे साथ नहीं थे, मैं बिल्कुल अकेला था। और दीदी, मुझे ऐसा लगा कि देखते ही देखते मैं बूढ़ा हो गया। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि वक्त के साथ साथ हर जख्म भर जाता है। 1978 में नितिन मुकेश ने शादी कर ली अपनी माँ की पसंद की लड़की के साथ। उनकी बीवी का नाम है निशी और वो बेहद हसीन और खूबसूरत है। नितिन मुकेश के 3 बच्चे हैं, एक बेटी नेहा और 2 बेटे नील और नमन। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि नील ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया था बहैसियत चाइल्ड आर्टिस्ट। सर, आपने बोला था ना मम्मी पापा को स्टेज पे लाने के लिए, मगर मैं उनको लाया हूँ जो मम्मी पापा से भी बढ़कर है। ये मेरे दादाजी, ये है मेरी दादी जी। नील, नील अब बड़े हो गए हैं और हीरो बन गए हैं और कई फिल्मों में बेहतरीन काम किया है। क्या मेहनत किया तुमने? मेहनत की है ना अंकल, झूठ बोला, हेरा फेरी की। आपको आपकी जमीन के लिए कन्विंस किया, उन लावारिस बच्चों के साथ इतना समय बिताया, सामने वाले बंगले की जमीन के लिए खुशी को शादी के लिए मनाया। नील का पूरा नाम है नील नितिन मुकेश और वो कहते हैं कि जब मेरे पापा अपने पापा का नाम अपने साथ जोड़ते हैं तो फिर मैं अपने पापा का और दादा का नाम अपने साथ क्यों ना जोड़ूं। हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने नितिन भैया के साथ, नितिन मुकेश के साथ बहुत सारे लाइव शोज किए हैं, हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी। आपको एक राज की बात बताऊं, नितिन भैया कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं और खास तौर पे अलग अलग लोगों की मिमिक्री इतनी अच्छी करते हैं कि हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाता है। एक जरूरी बात बताऊं, नितिन मुकेश ने सिर्फ फिल्मों में गाने नहीं गाए हैं, कई प्राइवेट एल्बम भी बनाए हैं, खास तौर पे भजनों के, जो सबको बहुत ज्यादा पसंद आए। नितिन मुकेश बहुत खुश हैं। वो कहते हैं कि ऊपर वाले ने, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैं नाना भी बन गया हूँ और दादा भी। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताती रहूंगी। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।